सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर नेशनल फेडरल पार्टी के मेंटर और कॉमन मैन के नाम से चर्चित सोशल थिंकर जगदीश माणिक ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि 370 हटाने के बाद अब जरूरत है सही ढंग से कश्मीर के लोगों के विकास की। मैं वहाँ के गांवों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। जैसे हमारे यहाँ ये इंडिया का अभिन्न अंग ही है। यहाँ पे भी जो गांवों में और शहरों में जिसको बोलते हैं कि गरीब मध्यम वर्गीय लोग हैं, वैसे ही उन लोगों की स्थिति है। ये सब जो है ये पॉलिटिकली जो डिसीजन है वो बहुत अच्छा है, सबको एक धारा में जुड़ता है। और ये जुड़ने के बाद में अभी वहाँ के विलेज में लद्दाख हो, जम्मू हो या कश्मीर हो, जुड़ने के बाद में उनके लिए हम क्या कर पाएंगे उसका प्रोग्राम तो होना ही चाहिए। जैसे 70 सालों में राजीव गांधी बोल गए कि गाँव में 30 पैसा भी पहुंचता नहीं है, तो केंद्र शासित प्रदेश बनेगा या राज्य बनेगा या क्या बनेगा, जब भी कुछ बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बैठेगी, तो वो क्या उनको पूरा पढ़ेंगे, उनका सिंसियरली और जेन्युइनली पूरा पढ़ेंगे? वो इम्पोर्टेंट है। अभी जो परिस्थिति जो है, सबको जो है वो रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन छोड़ के दूसरे किस्में भी इंटरेस्ट नहीं है। कहाँ की भी पब्लिक हो, कश्मीर की हो, जम्मू की हो, लद्दाख की हो, सुविधा चाहिए, फैसिलिटी चाहिए और सिविलाइजेशन जो है वो पीस चाहिए। तो सिविलाइजेशन पीस के लिए जो भी हम लोगों को करना चाहिए वो काम अभी करने की ज़रूरत है। ऐसी किसको लगना नहीं चाहिए कि हम उनके ऊपर छीन के ले रहे हैं। ऐसा लगना चाहिए कि दूध में शक्कर के जैसे वो हमारे से मिल रहे हैं, ऐसे सिस्टम होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे अब श्रीनगर या बड़े जो बड़गांव या ऐसे बड़े जो सिटी के ऊपर अगर आप जोर रखेंगे तो इंटीरियर में जो परिस्थिति है कश्मीरियों की वो अतिशय दयनीय है। माने अतिशय उनके जो है ना उनको जो है ना जो -5-10 degrees में और +5-10-12 degrees में जो रहते हैं उनकी परिस्थिति अतिशय खराब है। उनको मलम की ज़रूरत है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग एक ही है, ऐसा लगना चाहिए। उसकी वास्तविकता को लेके अभी केंद्र सरकार को केंद्र शासित राज्य बनाया है, केंद्र शासित अभी जो बनाया है वो वास्तविकता के लेकर उनको ये चलना चाहिए आगे। इस दौरान जगदीश माणिक ने सरकार को कुछ सुझाव और कुछ नसीहत भी दिए हैं। वरना ये जो है आप अगर इतिहास देखेंगे तो हजारों साल से जो है ना कोई भी राजकर्ता आया है, किसने भी राज किया है, कश्मीर हो या इंडिया हो या पाकिस्तान हो या एशिया हो या किसने भी राज किया है करके, उन्होंने सही मायने में मानव धर्म नहीं बजाए किसी ने, या सही मायने में इंसान इंसान के लिए काम कभी नहीं किया, सबने अपना मतलब के लिए काम किया हो। तो अब ये मतलब छोड़ के इंसान इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। पहले समस्या जो है आज भी जो पूरे इंडिया में वही समस्या है, वो कहाँ पूरा करती है गवर्नमेंट, कहाँ पूरा करती है? आज सिटी में चले जाइए, आप मुंबई जैसी सिटी में आप चले जाइए, झोपड़पट्टी में रहते हैं, 10x10 में रहते हैं, 8x10 में रहते हैं, 10x15 में रहते हैं, पत्रे में रहते हैं, बाजू में गटर गाली नाली जा रही है, उनको कहाँ इंसानियत है किसको भी? ये सब अपने दुकानदारी चला रहे हैं। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सब अपनी दुकानदारी चला रहे हैं क्योंकि उनको पगार मिल रहा है, उनको सैलरी मिल रही है। कहाँ कोई वल्लभ भाई पटेल दिख रहा है, क्या राजेंद्र प्रसाद दिख रहा है, कहाँ लाल बहादुर शास्त्री दिख रहा है? आज इनको सैलरी मिल रही है। अगर आपको अगर सैलरी मिलेगी, आप मीडिया वाले हैं, आपको अगर सैलरी मिलेगी 30-40 हजार में, तो आपका घर सही ढंग से चलाएंगे?
वो कहाँ मिल रहा है उनको? उनको लाख रुपया मिल रहा है, उनके पास फैसिलिटी मिल रही है, पेंशन मिल रहा है, सब मिल रहा है। कौन प्रजा का नेता है आज? प्रजा का लीडर ही नहीं है, पब्लिक का लीडर ही नहीं है कोई। बाबूशाही चल रही है, बाबूशाही चल रही है, पैरेलल चल रही है। आप चले जाइए अभी म्युनिसिपैलिटी में, म्युनिसिपैलिटी को 4 दिन में बंद कर देना चाहिए। ये पूरा रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, पूरा इंडिया को रिस्ट्रक्चर की नीड है। आप चले जाइए बाबूशाही चल रही है करके, म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए करके, आपका 10-20 रुपया अपना डेथ सर्टिफिकेट निकालने का 10-20 रुपया उसका है करके, क्या बोलते हैं फी है, 200 रुपया लेते हैं, 100 रुपया लेते हैं, फुकट में कोई काम नहीं करता है। आप चले जाइए उड़ीसा में, चले जाइए आप आंध्र में, चले जाइए आप तेलंगाना में, चले जाइए आप बंगाल में, चले जाइए आप यूपी में, चले जाइए आप बिहार में, चले जाइए आप बड़े बड़े सिटी में, चले जाइए आप कहाँ भी, आज 71 ईयर्स में बिजली नहीं देते हैं, बिजली नहीं दे पा रहे, घर नहीं दे पा रहे, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि ये लोग सब जितने भी बाबूशाही और जितने भी नेता है वो सब फेलियर है। वो उनका जो है वो सिंसियरली मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, पर उसकी मेहनत है ना जो भस्म में मिल रही है, एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, प्रैक्टिकली डेमोक्रेसी नहीं है, प्रैक्टिकली आदमी को रोटी रोजी नहीं मिल रही है। वो भस्म आ रहा है, सिंसियरली काम कर रहा है वो बंदा, नहीं कर रहा ऐसा नहीं है, काम कर रहा है, पर एक्चुअली काम मिल रहा है किसको भी, काम मिल रहा है इसको, बताइए मेरे को। कोई खाने के ऊपर जीएसटी डालता है? कोई किसान के ऊपर जीएसटी डालता है? कानून 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 करके डालता है, 6 महीने के अंदर अर्थतंत्र जो है ना फास्ट चल सकता है, पर इनको समझ कहां है? सब एयर कंडीशन में, आइस बॉक्स में पड़े हुए हैं, सब बैंकों को बैंक चलाने को नहीं आती है। ऐसा रहा तो ये समाज कैसे चलेगा? सबको क्या डंडा लेके चलाएंगे आप? सबको डंडा लेके चलाएंगे? सबको क्या एयर कंडीशन बॉक्स में बैठा के पूरा चलाएंगे? आज 130 करोड़ है, कल 150 करोड़ आदमी होंगे, अपने बाहर से ही नहीं गिर जाए उसकी 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 तैयारी रखो, अपने बाहर से गिर नहीं जाए करके। कागज के फूल से खुशबू नहीं आती है, असली फूलों से खुशबू आती है। आप माली है, माली है, पर आपको जो है वो इकोनॉमिक साइड का आपको जो है वैसे ही अपने बजट निकाले, जो 70 साल से निकालते हैं वैसे ही बजट निकाले। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल चक्र न्यूज। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।